लेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा जनरल लिख के आ चुका है रेडमी नोट। तो हेलो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला, जो भी आप फ़ोन खरीदते हो, जैसे कि सेकंड हैंड, जैसे बहुत सारी वेबसाइट आती है, रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते हो या चोर बना से जाकर खरीदते हो या अपने दोस्त से खरीदते हो, अपने रिलेटिव से खरीदते हो, कहीं से भी खरीदते हो, तो हमें एक मतलब डाउट होता है कि असली है कि नकली। तो हम क्या करते हैं, कैमरा चेक करते हैं, फ़ोटो खींच के वीडियो निकालते हैं या तो फिर बिल वगैरह मांगते हैं। तो हमें मतलब ये जानना होता है कि वो मोबाइल असली है कि नकली, चोर बना से लेके आए तो हमें पता चलना चाहिए कि असली कि नकली, क्योंकि बहुत सारे फेक फ़ोन भी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बता लो, कोई भी फ़ोन हो आप उसको मतलब चेक कैसे करो कि जेन्युइन है, कि मतलब असली है कि नहीं, यही ब्रांड का है कि नहीं, कॉपी तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बता लो, कोई भी फ़ोन का आप डिटेल कैसे निकाले, ओरिजिनल है कि असली है कि नकली है, ठीक है। बस उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो में आ गए हो तो आपको यार लाइक करना होगा, चैनल पर घूमते फिरते आ गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा, और ज़्यादा से छोटा मोटा कमेंट कर देना। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जो ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरह से काम करने वाली है। पूरी बायोडाटा मतलब वो मोबाइल की हिस्ट्री निकाल देगी कि ये नकली है कि असली है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना पता है ना, लाइक करना है। तो यार चलते अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई भी फ़ोन कैसे चेक करना है, रियल है, जेन्युइन है, फेक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट जो मैंने लिंक दिया, आपको वेबसाइट विजिट करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन अभी रुको, इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताने वाला। देखिए यहाँ पे जो EMI नंबर आपको डालना है, और EMI नंबर जो होता है ना वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि उसके बिल पे, बिल जब आप उनसे खरीदते हैं ना बिल मोबाइल, तो उसको बिल पे लिखा रहता है, स्टिकर पे चिपका रहता है, बॉक्स के पीछे लिखा रहता है। तो यहाँ पे हम देखिए, ये हमारा मोबाइल का EMI नंबर है, तो यहाँ पे हम आई एम नॉट ह्यूमन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बस बता रहा है वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई होगा। और कैसे अगर आपके पास बिल डब्बा विब्बा गुम हो गया है, और कैसे EMI नंबर निकाले, तो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना कि अरे हमारा डब्बा गुम हो गया, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, हम बताने वाले कैसे निकालना है। लेकिन ये हो नहीं रहा, हो जाता है, देखिए लाल वाला हमें क्लिक करना है, वेरीफाई करना है, ओके। रेड 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 रेड, कभी कभी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है सर्वर पर, तो 1 2 3 देखिए, जो मतलब जो आपको ऊपर ऑप्शन देता है ना वो क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हो चुका है, यहाँ पे हम चेक पे क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे मेरा जनरल लिख के आ चुका है, रेडमी नोट 10 प्रो है, Xiaomi का है ये डिवाइस है। तो यहाँ पे सब, यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि कौन सा चेक फ़ोन, देखिए चेक फ़ोन नंबर, जनरेट रैंडम EMI, दिस मतलब वही फ़ोन ओरिजिनल है, यहाँ पे डिटेल ऊपर लिख के आ चुका है। देखिए अब जैसे कि आपको बिल गुम हो गया, डब्बा गुम हो गया, तो कैसे निकालेंगे, EMI नंबर यहाँ पे ऑप्शन उसका दिया रहता है। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ, 6 GB रैम, स्नैपड्रैगन क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, मतलब जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन क्या है, सब दे चुका है, यहाँ पे डिटेल आ चुका है, ठीक है। अब निकालोगे कैसे, अगर आपका डब्बा बिल बॉक्स गुम हो गया, इधर आना है *#60 पे क्लिक करोगे तो आपका, सॉरी *#06 पे क्लिक करोगे तो निकल जाएगा। देखिए इस तरह यहाँ पे निकल गया EMI नंबर, ठीक है। इस तरह निकालना है आपको, वहाँ से कॉपी करना और जाके जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा ये फ़ोन ओरिजिनल है, अगर आया तो समझो ओरिजिनल, नहीं आया तो मतलब फेक है। इसी तरह आप पता लगा सकते हो। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर 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 बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।